सारे इंसानों के लिए अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो। मैं अभी देखिए जो बहुत अच्छा बात इन्होंने रखी जो गैप इन कम्युनिकेशन की, ये गैप इन कम्युनिकेशन क्यों है, इसकी वजह ऐसी है कि रिलीजियस मैटर जो है ये व्यक्तिगत मैटर है, आपस में वो अलग है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में सभी रिलीजन को, सभी लोगों को अपना मजहब की सेवा करने का इजाजत दी है, कोई रोक नहीं सकता प्रैक्टिस करने का इजाजत। लेकिन रिलीजन को अगर जब आप सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में लेके जाते हैं, यूसेज शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, फिर उसका एक संघर्ष शुरू हो जाता है। और इधर यही हो रहा है, ये सोशल मैटर है समझो, अगर कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है तो सोशल मैटर में हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते, या पॉलिटिकल मैटर में एक क्यों नहीं हो सकते, या इकोनॉमिक मैटर में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप में एक दरार पैदा की है, और खास करके दरार 1979 से ज्यादा शुरू होगी। कोल्ड वॉर जीतने के लिए अमेरिकन हुकूमत ने, सोवियत संघ ने जब आक्रमण अफगानिस्तान में किया तो जिहाद का नारा अमेरिका ने दिया है, दूसरों ने नहीं दिया है। बात है, बहुत जबरदस्त बात। ब्रिगेडियर साहब ने जिहाद शुरू किया, जिहाद का जो, लेकिन ब्रिगेडियर साहब कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, हमसे मतलब यहाँ का जो नहीं वो बराबर है। हाँ, क्योंकि आज देखिए आज इतना डिवाइड आ गया है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम धर्म के नाम पर भी अलग हैं, हम सोशली भी अलग हो गए हैं, हम इकोनॉमिकली भी अलग हो गए। मतलब जो खाई है, जो खलीज है, वो इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को देखकर हैरान हो रहा है। क्यों हुआ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि हमने अपने आप को इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी। इसके एक रास्ता ऐसा है जो भाई साहब ने बोला, पटेल साहब ने बहुत अच्छा उन्होंने इसका एनालिसिस किया है कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल पर हम लोग ने एक साथ काम करने की शुरुआत कर, एक साथ काम, और कोई भी काम लो हिंदू मुस्लिम साथ में आके जब करने लगेंगे गली गली में, तो ये दरार जो है वो खत्म होगी। और जो भाई साहब बोलते हो गैप इन कम्युनिकेशन, और शिवाजी का नाम से अभी इधर बोल रहे ना, तो अफजल खान को देखने के बाद हिंदू लड़का डर जाता है, शिवाजी को देखना मुस्लिम लड़का डर जाता है। लेकिन हिस्ट्री अलग है, शिवाजी के दो बॉडीगार्ड मुस्लिम थे जब अफजल खान को मिले थे, और अफजल खान के दो बॉडीगार्ड मराठा थे मोहिते जब इनको मिले थे। अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, और शिवाजी का वकील था काजी हैदर। शिवाजी के तीन सिपे सलार मुसलमान थे, वाकईदा नूर खान बेग, इब्राहिम खान, दरिया सारंग, और बहुत सारी फौज थी। तो इधर क्या क्या शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जब उनकी आधी फौज वो थी, उनके बॉडीगार्ड 600 पठान थे। और फिर ये जो गलत फहमी इन्होंने बोला जो हिस्टोरिकल मैटर से, आज हिस्टोरिकल मैटर शिवाजी का नाम से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही, ये हमको जॉइंट प्रोग्राम्स करने की जरूरत है।